हाय फ्रेंड्स, आज हम लोग सीखते हैं बोर्ड मास रूल। बोर्ड मास रूल क्या होते हैं, चलो पहले इसको समझते हैं कि है क्या। यहाँ पे देखो, मैंने यहाँ लिख दिया है BODMAS। बी का मतलब होता है ब्रेकट, मतलब कोष्टक। ये इसको कहते हैं स्मॉल ब्रेकट, ये है कर्ली ब्रेकट और इसको बोलते हैं पीक ब्रेकर्स। यहाँ देखते तुम्हें समझ में आ गई। अब देखो ऑफ का मतलब क्या होता है, का, और डी का मतलब डिवीजन, मतलब भाग। एम का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन। ए का मतलब एडिशन, मतलब जोड़। इस का मतलब सब्ट्रैक्शन, मतलब घटाओ। देखो मैंने सबका चिन्ह भी उसके सामने लगा दिया है। अब देखते हैं, यहाँ तक तो तुम्हें समझ में आ गई। अब चलें, ये देखो हमारा क्वेश्चन है। अब इसको कैसे उसी तरीके से सॉल्व करनी है जैसे हमें बताया गया है बोर्ड मास में। पहले यहाँ पे ब्रेकेट हटानी है, तो ये ब्रेकेट कहाँ पे देखो, 2 और 7। तो चलो पहले यहाँ पे लगाते हैं हम लोग। यहाँ पे हो जाएगा 81 भागे 3 को अभी ऐसे ही लिखेंगे, 3 ऑफ। यहाँ पे होगा 3 ऑफ। अब ब्रेकेट हटानी है तो पहले 7 और 2 को जोड़ लेते हैं, ये हो गया 9। तो यहाँ पे लिख लेते हैं 9। ये देखो ब्रेकेट सबसे पहले हटा दिया हमने जैसा हमें रूल में बताया गया है। अब फिर यहाँ पे गुणे करते हैं 5 ऑफ 6। अब हमें किसको करना है, अब हमें करना है ऑफ को हटाना है। अब हम यहाँ से ऑफ को हटाते हैं, ऑफ को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे हो गया 81, यहाँ पे भाग, यहाँ पे इनको गुणा कर लेते हैं, हो गया यहाँ पे 27, 9 3 27। अब फिर इंटू करते हैं 5 6 30, यहाँ पे 30 लिख लेते हैं। अब हमारा ऑफ भी हो गया सॉल्व। अब देखो क्या करना है, अब हटाना है डिवीज़न। तो ये अगर 7 को 81 से भाग देंगे तो कितना आएगा, 3 बार में ये 81 कट जाएगा। 27 का टेबल अगर हम लोग 3 बार पढ़ेंगे तो 81 आ जाएगा, और इंटू 30 3 × 30। अब ये 30 का टेबल अगर हम लोग 3 बार पढ़ेंगे हो जाएगा 90। तो यहाँ पे 90 हमारा आंसर हो गया। देखा बहुत ही आसान तरीके से, अगर हम इस तरीके से लगाएंगे जैसा हमें रूल में बताया गया है तो हम लोग बहुत ही बिना गलत किए आराम से सही लगा सकते हैं। और जहाँ भी नहीं समझ में आएगा तो वो तुम मुझे कमेंट में पूछ सकते हो। बाय बाय।